तो भाई मुझे कार्ड मिल गया है, दिस वन अभी मैं रिसीव करके आ रहा हूँ। और इसके पीछे की प्रॉपर स्टोरी मैं आपको डिटेल से घर जाके बताता हूँ। रुकिए रुकिए रुकिए, इस कहानी का स्टार्ट यहाँ से नहीं है, इस कहानी का स्टार्ट आज से 6 महीने पहले से है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की स्टोरी जो है वो इस बारे में है कि मुझे जो है आज एक कार्ड मिला है जिसका नाम है रेजिडेंस परमिट, और आप जिसे कह सकते हैं इटालियन में परमेसो दिस जोर्नो। अब इसके पीछे की कहानी काफ़ी लंबी है, ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स, जिसके लिए काफ़ी ट्राई किया मैंने और 6 महीने के बाद मुझे ये जाके ये कार्ड मिला है। ये कार्ड जो है 6 महीने के बाद मुझे रिसीव हुआ है। अब इस कार्ड की कहानी ये है कि जब आप इटली में लैंड करते हैं विद इन 90 डेज़ अबव अगर आपका वीज़ा है तो आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि इनका रेजिडेंस कार्ड है, जिसको हम NIC भी कहते हैं। जो हमारा जैसे हमारा NIC कार्ड होता है, वैसे ही ये इनका रेजिडेंस कार्ड होता है, जो कि आपको एक तरह का परमिट होता है कि अगर आप इनकी कंट्री में 90 डेज प्लस स्टे कर रहे हैं तो आपके लिए ये एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। तो ये कार्ड बनवाने के लिए जब आप इटली में लैंड करते हैं तो आपको विद इन 8 डेज़ और विद इन जो है 1 वीक अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको इनके पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, वहाँ जाके जो है वहाँ से एक किट मिलती है जिसको बोलते हैं परमेसो दिस जोर्नो किट। वो किट लेके आपको उनके पेपर्स फिल करने होते हैं, फिल करके वो सबमिट करवाने होते हैं पोस्ट ऑफिस में। 70 यूरोज़ की फ़ीस पे करनी होती है। उसके बाद वो आपको एक अपॉइंटमेंट दे देते हैं, उस अपॉइंटमेंट डेट पर आपको इनके जाना होता है इमिग्रेशन ऑफिस, जिसको इटालियन में कहते हैं कस्तूरा। तो वहाँ जाके आप अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं, वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं और आपको कार्ड की डेट दे देते हैं कि इस डेट पे आपको कार्ड मिल जाएगा। अब सुनने में तो ये काफ़ी इजी लगता है पर इतना इजी प्रोसेस है नहीं, ड्यू टू सम रीजंस। नंबर वन रीज़न जो है वो ये है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, जितना मैं कहूँ उतना कम है। और यहाँ जो है लोग बहुत ज़्यादा स्लो हैं, बहुत ज़्यादा स्लो हैं। अगर उनकी मर्ज़ी ना हो तो वो तो काम ही ना करें। ये तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है इनकी ब्यूरोक्रेसी का बुरा हाल है। तो यहाँ पे जो है सीन ये है कि एक तो इनकी ब्यूरोक्रेसी है, दूसरा ऊपर से जो है यूक्रेन रशिया का जो मैटर चल रहा है उसकी वजह से प्रोसेस और भी ज़्यादा स्लो हो गया है। ड्यू टू जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे इटली में, तो उसकी वजह से जो है प्रोसेस और भी ज़्यादा स्लो हो गया है। तो अपॉइंटमेंट आपको अल्लाह अल्लाह करके मिलती है। मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी मई की, जबकि मैं यहाँ आया था जनवरी में। जनवरी से लेकर मई में मुझे अपॉइंटमेंट मिली है। मई को मैं गया, अपॉइंटमेंट वाले दिन मैंने फिंगरप्रिंट्स वगैरह दिए। अब वहाँ पे जो एक साहब थे, जो ऑफिसर थे जिन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट्स लिए, उन्होंने एक गलत ये की कि उन्होंने मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लिए ही नहीं, जो कि उनकी रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स लेना। हालाँकि मैं डॉक्यूमेंट साथ लेके गया था उनको देने के लिए, पर उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट वो लिए नहीं। तो अब इसमें मेरा तो कोई फॉल्ट नहीं है, पर अब मसला ये हुआ कि जो इनकी वेबसाइट है जहाँ पे आप उनका स्टेटस ट्रैक करते हैं कि आपका जो कार्ड है वो किस प्रोसेस पर है, वो रेडी है या नहीं है, अब वहाँ पर जो है वो एरर आ रहा था। वो एरर ये था कि आप जो है मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, तब तक आपका जो है कार्ड कंप्लीट नहीं होगा। अब मुझे जो है वो फिर पेपर सबमिट करवाने पड़े। अब उसके लिए मैं दोबारा कस्तूरा गया, तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ ऐसे नहीं आ सकते अपॉइंटमेंट के बगैर। तो ये भी बड़ा एक बहुत ही इनका बुरा सीन है कि आपको हर जगह जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट के बगैर आप कहीं भी नहीं जा सकते यहाँ पर इटली में। तो ये इनका बहुत बुरा सीन है, आपको पहले रिजर्वेशंस करनी पड़ती हैं, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, फिर आप वहाँ जाते हो। तो कस्तूरा से उन्होंने मुझे वापस भेज दिया ये कह के कि आपको ये जो है यहाँ के पुलिस स्टेशन में डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे, वो भी पैक ईमेल के थ्रू। एक ईमेल होती है जिसका नाम है PEC पैक, पैक कहते हैं उसे, वो एक प्रोफेशनल ईमेल होती है, वो उसके चार्जेस होते हैं, तो वो करवानी पड़ती है। पर फॉर्चुनेटली मैं लकी था क्योंकि मेरा जो इंस्टीट्यूट है उनकी ये जो है ईमेल है, तो उन्होंने मेरे बिहाफ पे ईमेल सेंड की थी, जिससे मेरा इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ और जो है आज मुझे फाइनली ये कार्ड बन के मिला।
तो ये थी स्टोरी जो है, 6 महीने की स्टोरी जो मैंने इसके लिए अखबारी काटी है। इसकी वजह से मेरे काफ़ी काम पेंडिंग थे। इसकी वजह से सबसे पहले मुझे जो है स्पीड आईडी बनवानी है, वो स्पीड आईडी इसकी वजह से रुकी हुई थी। अब मुझे जो हेल्थ कार्ड बनवाना है, हेल्थ कार्ड के लिए भी ये नेसेसरी होता है। मुझे बैंक अकाउंट खुलवाना है, बैंक अकाउंट के लिए भी ये नेसेसरी होता है। तो इसकी वजह से मेरे काफ़ी काम पेंडिंग में थे। तो आज ये मुझे कार्ड रिसीव हुआ है। अब होपफुली जो है मेरे बाकी काम जो हैं वो ईज़िली हो जाएँ, आई होप। वरना यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी देख के मेरा जो है वो तो मेरा तो मन ही उठ गया इटली से। पर खैर, अब जो है वो है, अब क्या कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कहानी रेजिडेंस परमिट कार्ड की। तो बस मैंने सोचा आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता दूं, ताकि जो कमिंग यहाँ पे लोग हैं वो पहले से अपना माइंडसेट बना के आएँ कि हाँ भाई, इन चीज़ों में इतना टाइम लगता है। तो आई होप के जो कमिंग फॉरेनर्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं इटली में, उनके लिए ये यूज़फुल साबित होगी। तो डोंट वरी, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट दिस कार्ड। सो आई होप के सब अच्छा हो। तो मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। उमरो यार आउट। एज यूजुअल, ऐसे मैंने आपको पहले बताया था कि रोम पूरा जो है वो स्टीप है, हिल है, तो आपके सांस तो फूल ही जाती है चलते चलते।